अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ आपको आपके अपने चैनल HBS सर्विसेज में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉप थ्री बेस्ट वेज टू मेक मनी ऑनलाइन। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऐसे तीन मेथड शेयर करने वाला हूँ जिनके थ्रू मैं ऑनलाइन अर्निंग कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मंथली बेसिस पर एक हैंडसम अमाउंट अर्न कर रहा हूँ। बट उससे पहले यार, जो बंदे भी मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, मेरी वीडियोस को शेयर करते हैं, उनसे कुछ दिल की बात। तो आप में से जो बंदा भी मेरी वीडियो को लाइक करता है, मुझे ऐसा लगता है मुझे इश्क हो गया। और जो बंदा मेरी वीडियोस को शेयर करता है ना यार, आप तो देखो जी, कोई भी काम हो आधी रात को आवाज दे देना, बंदा हाजिर हो जाएगा। तो खैर, ये तो होगी कुछ मजाक की बात, लेकिन अब डायरेक्टली चलते हैं टॉपिक पर। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट मेथड जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जैसा कि आप लोगों, यार मुझे लग रहा है ये लेंस पे कुछ लगा हुआ है, एक सेकंड यार ये साफ करो। हाँ जी हाँ, तो अब ठीक है, साफ हो गया जरा। तो खैर, जो फर्स्ट मेथड है जो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता है, वो है फ्रीलांसिंग। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक फ्रीलांसर हूँ। और फ्रीलांसिंग का मतलब, जैसा कि आप लोगों को पता है, कि अपनी सर्विसेज को ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट में सेल करना। आप लोग अपनी सर्विसेज को सेल करते हो, राइट? आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो सकते हो, विजुअल असिस्टेंट हो सकते हो, डिजिटल मार्केटर हो सकते हो, SEO एक्सपर्ट हो सकते हो, वट एवर इज योर स्किल। बट आप लोग अपनी स्किल को शेयर करते हो फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस में। अगर हम ऑनलाइन बात करें तो फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेज में जाते हैं, आप लोग अपनी सर्विसेज को सेल करते हैं वहाँ पर, एंड उससे आप लोगों को रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा मेथड है और मैं स्टार्ट से फ्रीलांसिंग ही कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं करंटली फ्रीलांसिंग से अच्छी खासी अमाउंट जो है वो मंथली बेसिस पर अर्न कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो सेकंड मेथड है, या सेकंड आप मेरा बिजनेस कह लें ऑनलाइन, जिससे मैं अर्निंग कर रहा हूँ, वो है यूट्यूब। बहुत सारे लोग क्वेश्चन ये करते हैं कि यार यूट्यूब से घर चलाया जा सकता है या नहीं चलाया जा सकता, कि यूट्यूब से इतनी ज़्यादा अर्निंग हो जाती है फिर नहीं होती। तो मैं उन लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि देखो यार, अगर तो आप लोग जितने भी मेथड में अभी फ़िलहाल जिन पर मैं काम कर रहा हूँ, अगर आप लोग इनमें अपने 6 से 8 महीने या 1 साल इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, तब आप लोग इन मेथड से अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट हो जाएगी अर्निंग, इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे ये टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट होगा तो आप लोगों की अर्निंग धड़ाधड़ हज़ारों डॉलर में चली जाएगी। तब आपका एक फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, आप लोग $5-10 कुछ ना कुछ अर्निंग करना स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद वो ग्रेजुअली आपकी अर्निंग जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पर जो तीसरा मेथड है जिससे मैं अर्निंग करता हूँ, वो है वेबसाइट। वेबसाइट पर मैंने पहले भी वर्क किया हुआ है, पहले मैंने इसको काफ़ी देर पहले स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, कुछ उल्टी सीधी चीज़ें ट्राई कर रहा था जैसे सभी लोग करते हैं। बट अब इस वक्त करंटली अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वेबसाइट जो है वो एडसेंस से अप्रूव हो चुकी है और वहाँ पर एड्स भी सर्व हो रहे हैं और डेली बेसिस पर, अब पता नहीं ये वीडियो मैं कब अपलोड कर रहा हूँ, खैर जिस वक्त ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उस वक्त मेरी अभी जो करंटली वेबसाइट करनी है, मैं यहाँ कहीं पर डाल दूंगा स्क्रीनशॉट, आप देख लेना एडसेंस पर जो आपको शो रहा है। तो एवरेज जो मेरी अर्निंग है वो तकरीबन $1 पर डे के हिसाब से चल रही है। मैं अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं कमेंट कर, अगर आप लोगों को डिटेल में इसकी अर्निंग चाहिए तो कमेंट करके बता देना, मैं उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना दूंगा कि एक्चुअल में मैं अपनी वेबसाइट से कितनी अर्निंग कर रहा हूँ। एक एस्टिमेटेड स्क्रीनशॉट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया जिसमें मैं तकरीबन $1-2 पर डे अपनी वेबसाइट से, अभी स्टार्टिंग है मेरा, ठीक है, मैं स्टार्टिंग में इतनी अर्निंग करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये कुछ तीन मेथड्स है, फ्रीलांसिंग, यूट्यूब एंड वेबसाइट, जिनके जरिए मैं मंथली बेसिस पर अर्निंग कर रहा हूँ। और मैं इस आप लोगों को भी ये मशवरा दूंगा कि कभी भी एक ही चीज़ पर डिपेंड ना करें, चाहे वो फ्रीलांसिंग है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो वेबसाइट है, अपने कुछ छोटे छोटे बिजनेसेस बना कर रखें ऑनलाइन। अगर आप लोग फ्रीलांसिंग में भी, सिर्फ फ्रीलांसिंग में काम करना चाहते हैं, तभी मैं आप लोगों को एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि एक प्लेटफॉर्म पर स्टिक ना रहे, लाइक फाइवर हो गया या अपवर्क हो गया, दूसरे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स है, लाइक पीपल पर आर है, guru.com, अगर इनके ऊपर आप लोगों को डिटेल में वीडियो चाहिए होगी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर, मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि जो भी बेहतर फ्रीलांसिंग, जेन्युइन फ्रीलांसिंग साइट्स हैं जहाँ पर भी कॉम्पिटिशन भी कुछ कम है, जहाँ पर आप लोगों को ऑर्डर्स मिलने के चांसेस भी ज़्यादा, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना। अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे तो इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाकर ज़रूर आप लोगों को कंप्लीटली तौर पर गाइड करूँगा कि आप लोग फ्रीलांसिंग के, फाइवर के अलावा दूसरे जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर कैसे काम कर सकते हैं, वो सारी डिटेल मैं आप लोगों को इंशाल्लाह उस वीडियो में बताऊँगा। तो जैसा कि मैं करता हूँ कि मैं फ्रीलांसिंग, यूट्यूब, वेबसाइट, इन तीनों मेथड्स को मिलाकर एक मंथली अर्निंग करता हूँ। अगर मैं इन तीनों में से किसी एक पर भी बिल्कुल फोकस कर लूँ तो इन तीनों में से जो एवरेज मुझे अर्निंग मिल रही है वो एक मेथड से भी मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मैंने एक कह लें बिज़नेस अपनी एक प्लानिंग बनाई हुई है, मैं इसी तरह फॉलो करता हूँ कि मैं छोटे छोटे अपने बिजनेसेस बना लेता हूँ और वहाँ से मिलकर एक मेरा टारगेट होता है मंथली, जिसको मुझे अचीव करना होता है। मैं अपना एक टारगेट सेट करता हूँ, इस मंथ मुझे $500 कमाने, इस वक्त इस मंथ 1000 कमाने, इस वक्त इससे ज़्यादा कमाने, तो मेरी फिर मेहनत या मेरा काम पर फोकस उस हिसाब से होता है। तो जो मेरा एक टारगेट सेट होता है, मैं अपने उस टारगेट को लेकर चलता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उसको मैं अचीव भी कर लेता हूँ। तो ये चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि अपना एक टारगेट बनाएं एंड अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म
उस पर काम करना स्टार्ट करें, इंशाल्लाह ताला आप लोग भी एक टाइम आएगा कि अर्निंग स्टार्ट कर देंगे। जब आप लोगों की अर्निंग स्टार्ट हो जाए तो मजीद अपनी मेहनत को मजीद बढ़ाएं, मजीद काम करना शुरू करें, क्योंकि फिर आपने उस $1 को $1,000 में कन्वर्ट करना है। तो ये थी यार मेरी कुछ टिप्स एंड मेरे कुछ मैथड जिनसे मैं ऑनलाइन अर्निंग कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।